ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हिम पैस्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने सूचित किया है कि पंजीकृत पूर्व सैनिकों के लिए आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों की भर्ती 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईएसआई अस्पताल दिल्ली में 193 सुरक्षा गार्डो के आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने सूचित किया है कि पंजीकृत पूर्व सैनिकों के लिए आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों की भर्ती 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईएसआई अस्पताल द्वारा दिल्ली में 193 सुरक्षा गार्डो की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में 30 डाटा एंट्री ऑपरेटर, माता चिंतपूर्णी सदन में 20 पद, एसजेबीएन झाकड़ी वायल दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 9 पद, सुरक्षा गार्डों के 2 पद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गिरिनगर नाहन गानबी जसूर ऊना भावानगर में 5 आर्म्ड सुरक्षा गार्ड एनएचपीसी कुल्लू बड़ीखेत करिया धरवाला में 8 आर्म्ड सुरक्षा गार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में 6 सुरक्षा गार्ड राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बागवा में 1 महिला तथा 1 पुरुष सुरक्षाकर्मी बार म्यूजियम धर्मशाला में 2 आर्म्ड गार्ड तथा बीबीएनबी सुंदरनगर में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में 15 फरवरी को सुबह 11 बजे अपनी मूल डिस्चार्ज बुक एवं उसकी प्रतिलिपि गन लाइसेंस और 4 पासपोर्ट फोटोग्राफ सहित भर्ती में भाग ले सकते हैं। हमारी कॉरपोरेशन है हिमपेस्को, ये हर महीने 15 तारीख को जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो बहुत जल्दी 30-35 साल की उम्र में पेंशन आ जाते हैं और ये सरकार की तरफ से केंद्र की सरकार प्रदेश और कॉरपोरेशन की तरफ से जो सैनिक यंग एज में घर आ जाते हैं उनके लिए एक आर्थिक मदद के तौर पर चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ हों या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हों या अन्य ड्यूटीज़ हों उस तरह की नौकरियां जो हैं आउटसोर्स बेसिस पे जो हैं हम इसकी इंटरव्यू हर महीने 15 तारीख को करते हैं। आज के तकरीबन आज के दिन में हमारे इस तरह से जो सेंटर CPSUs हैं या स्टेट PSUs हैं उसमें तकरीबन हमारे 2000 पूर्व सैनिक जो हैं तैनात हैं और हमारा मकसद ये है कि इस स्ट्रेंथ को हम ज़्यादा बढ़ाएं और जिसके तहत हम हर महीने भर्तियां करते हैं और कोशिश करते हैं प्रदेश सरकार से मिलकर और जो दूसरे विभाग हैं उनके जो हेड्स हैं उनसे मिलकर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्व सैनिक हैं उनको नौकरियां दी जाएं। और इसमें एक बहुत बड़ा इजाफा भी हुआ है हाल में, जैसे अभी 15 फरवरी को जो हम भर्ती कर रहे हैं उसमें तकरीबन 300 जो स्थानों पर हम भर्तियां करेंगे और जिसमें तकरीबन 200 के आसपास जो हमारे पूर्व सैनिकों की सिक्योरिटी गार्ड की जो है ESIC जो हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा दिल्ली में वहां की हमको भर्तियों का मौका मिला है क्योंकि हिमपेस्को का एक नाम है, एक डिसिप्लिन है, एक कमिटमेंट है पूर्व सैनिकों की। और जो मुश्किल जो मेरे को समझता हूँ मेरे को हिमाचल में यही है कि 90% जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो फाइटिंग फोर्सेस हैं। तकरीबन ये एक बहुत बड़ा परिवार है, 1,25,000 के आसपास हमारे पूर्व सैनिक हैं और एक बहुत बड़ा परिवार है जिसकी देखरेख जो हमारा पूर्व सैनिक निगम है वो तो कर ही रहा है और जो हिमाचल प्रदेश का सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा है और उनके तहत भी 15% जो नौकरियां हैं वो आरक्षित हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सारी जो है वो टेक्निकल वो है और जबकि मैंने कहा हिमाचल में 90% जो लोग हैं वो फाइटिंग फोर्सेस से हैं, आर्टिलरी से हैं, इन्फेंट्री से हैं, आर्मर्ड से हैं, तो उनकी एक्चुअली योग्यता जो शैक्षिक योग्यता है वो या तो मैट्रिक है या 10+2 है। अब उनके लिए वो वहाँ पर फिट नहीं होते, वहाँ पे उनकी योग्यता में कमी रह जाती है। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वे अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपना स्किल बढ़ाएं ताकि जो वहाँ पे तकरीबन 4,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनका लाभ हो सके। लेकिन जो मेरे जो ये कॉरपोरेशन है जहाँ पे ये जो नौकरियाँ दी जाती है यहाँ पे जो इस तरह के कम पड़े हैं 10+ हैं 10+2 हैं उनको हम सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर, ड्राइवर्स के तौर पर, बॉडी गार्ड्स के तौर पर और अन्य बहुत सारी नौकरियाँ मंदिरों में हमको मिल रही हैं और इस दिशा में
हम इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, माननीय जो हमारे मंत्री हैं श्री महेंद्र ठाकुर जी से भी मिले, और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई है कि उन्होंने एक ऐसा पत्र लिख दिया है सभी विभागों को कि सबके सब विभागों के लिए जरूरी है, सरकारी विभागों के लिए, कि जब भी उनको आउटसोर्स पे नौकरियों की जरूरत होगी तो पहली प्रेफरेंस जो है वो कॉरपोरेशन को दी जाएगी, पूर्व सैनिकों को दी जाएगी। अगर कॉरपोरेशन वो आपको वो नफरी जो है मुहैया नहीं कर पा पाती या वो संख्या नहीं दे पाती है तभी वो प्राइवेट उसमें जाते हैं, और जिसकी वजह से अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 2000 से तकरीबन 400-500 जो है अगले 2-3 महीनों में बढ़ने वाली है, जिसमें बहुत इजाफा हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये अभी हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, और हम इसको मीडिया के आप लोगों के द्वारा भी, अखबारों के द्वारा भी, एक हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके द्वारा भी हर एक पूर्व सैनिक तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो एक पूर्व सैनिकों के लिए मान सम्मान के लिए ये जो ये रखी हैं, ये जो वैकेंसीज रखी हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। जो अभी 15 फरवरी को जो अभी भर्ती है परसों, तकरीबन 300 के आसपास है, जिसमें कि तकरीबन 200 के आसपास ये दिल्ली में है।